आपको बताएंगे कि स्केयर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द स्केयर रूट ऑफ 729। तो 729 का स्केयर रूट हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हम तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो दो से ट्राई करते हैं, क्योंकि पहला जो पॉइंट है वो है 7। पहले हमको मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से स्केयर लेंगे, जैसे 2 का लेंगे तो 4 आएगा, अगर हम 3 का लेते हैं तो 3 × 3 = 9, तो 3 × 9 आ जाएगा। 9 जो है 7 से बड़ा है, तो हमें 7 से बड़ा नहीं लेना होगा, तो क्योंकि 2 तो इससे छोटा आ रहा है, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर जो आएगा वो 9 आएगा, तो इसलिए हम यहाँ लेंगे 2। तो सबसे पहले 2 ले गए, 2 × 4 तो 4 आ गया, तो यहाँ भी लेंगे हम 2 जो आया जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया स्केयर से। तो जो अगले नेक्स्ट टर्म जो आएगी इसके बाद वो इसका डबल लेना है हमने, 2 × 2 = 4। तो 4 जैसे हमने अगले इसके लिए 4 लिया, उसके बाद 4 लेंगे तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी यहाँ पे 7 − 4 = 3, इनमें से 3 बच गए, 7 में से 4 गए, 3 बच गए। तो अगली जो टर्म थी 329 पूरी हमने नीचे आए, तो ये बन गया 329। तो इस तरह से हमने अब इसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, एक ऐसा अंक डिजिट हमने इसमें मल्टीप्लाई करना है कि ये पूरा का पूरा यहाँ सॉल्व हो जाए। 46 लेंगे तो कम आएगा, 47 लेंगे तो 47 × 7, तो याद रखिए जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई जिससे करते हैं वो उसी से ही हमें इस पूरे इस डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आ जाता है 329। तो इस तरह जो है रूट अंडर रूट जो 729 का अंडर रूट जो आएगा वो है 27। तो ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।